और आगे बढ़ते बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर फंसा है पेच। सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्रालय अपने पास चाहते हैं एकनाथ शिंदे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बैठक में शिंदे गृह मंत्रालय शिवसेना को देने का मुद्दा उठाया है उन्होंने। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, गृह मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ है पेच। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त आपको बता दें, शिंदे गृह विभाग अपने पास चाहते हैं। शिंदे सरकार में गृह बीजेपी के पास था, लेकिन अब चूंकि सीएम का पद उनको नहीं मिल रहा है तो उनका यह साफ तौर पर कहना है कि शिवसेना के पाले में गृह मंत्रालय जाना चाहिए। महाराष्ट्र में सीएम बीजेपी का होगा, इसकी तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन कौन होगा अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बैठक अतिशय सकारात्मक झालेली आहे। आजची बैठक जी आहे, या बैठकीमध्ये अतिशय साधक बाधक चर्चा झाली आणि उद्याही आमची बैठक होईल आणि एक दोन दिवसांमध्ये निर्णय होईल। पुन्हा दिल्ली बैठक होईल। गुरुवार की देर रात तक दिल्ली से लेकर मुंबई तक ये अटकलें लगती रहीं कि आज सीएम के नाम पर जारी सस्पेंस खत्म हो जाएगा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आधी रात के बाद तक मंथन चला, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सवालों की सुई फिर वहीं आकर रुक गई कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। बीजेपी किसे महाराष्ट्र का सीएम बनाएगी? क्या देवेंद्र फडणवीस फिर बनेंगे सीएम? सवालों के जवाब के लिए हर किसी की नजर गृह मंत्री के आवास पर थी। बैठक के खत्म होते ही एक एक कर सभी बाहर निकले, लेकिन सभी ने चुप्पी साध रखी थी। मीडिया के कैमरे सवालों के जवाब की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे रहे, लेकिन फडणवीस से लेकर नड्डा तक किसी ने कुछ नहीं बोला। गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक में शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार के अलावा बीजेपी अध्यक्ष और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। करीब दो घंटे तक ये मीटिंग चली, लेकिन नतीजा क्या रहा, मीटिंग रूम के अंदर ही इसका जवाब सिमट कर रह गया। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर आम राय बन चुकी है, लेकिन अभी इसका ऐलान विधायक दल की बैठक के बाद होगा, विधायकों की राय लेने के बाद होगा। सूत्रों के मुताबिक अगले एक दशकों की एक टीम महाराष्ट्र भेजने वाली है। ये टीम विधायकों से बात करेगी, विधायक दल की बैठक में शामिल होगी और विधायक जिस नाम पर सहमति देंगे उसके नाम का उसी दिन ऐलान कर दिया जाएगा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक के बाद अब अगली बैठक मुंबई में होगी। मुंबई की बैठक में यह तय होगा कि शपथ ग्रहण किस दिन रखा जाए। सूत्रों का दावा है कि शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फडणवीस के नाम का फैसला कर चुका है। सिर्फ औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। इस दावे के पीछे की वजह फडणवीस का पहला शासनकाल कहा जा रहा है। में बीजेपी ने फडणवीस पर ही दाव खेला था, किसी मराठी को सीएम ना बनाकर देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया था। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक में सीएम के नाम पर नहीं मंत्रिमंडल बंटवारे पर चर्चा हुई। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के बीच मंत्रालयों पर चर्चा हुई। किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में सीएम समेत कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि महायुति में 6 विधायकों पर एक मंत्री का फॉर्मूला बना है। सूत्रों के मुताबिक गृह, वित्त, उद्योग, नगर विकास जैसे मंत्रालयों पर सभी तीनों दल अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी सहयोगियों को कुछ एक विभाग छोड़कर कोई भी बड़ा मंत्रालय देने के मूड में नहीं दिख रही है। दिल्ली से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।